जितनी जल्दी हो सके भारत इजराइल हमास युद्ध विराम का समर्थन करता है। ये बयान है विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जो उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रणनीतिक वार्ता के दौरान भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC की मंत्री स्तर की बैठक में दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा में मौजूद हालात अब हमारी सबसे बड़ी चिंता है। दरअसल तकरीबन 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए दुनिया भर के देश भारत की तरफ उम्मीद लगाए हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस हफ्ते मॉस्को जाने वाले हैं। इस दौरान रियाद में हुई GCC की बैठक में भारत ने मध्य पूर्व एशिया में जारी इस जंग को लेकर भी साफ संदेश दिया है। इसराइल पर हमास के हमले के बाद से लगातार गाजा पट्टी में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी पर शासन करने वाले संगठन हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1200 के करीब लोग मारे गए थे और तकरीबन 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा पर हमला कर दिया, जो अभी तक चल रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पिछले 11 महीनों से जारी इजरायली हमलों में लगभग 41,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक में कहा, गाजा में मौजूदा हालात अब हमारी सबसे बड़ी चिंता है। इस संबंध में भारत का रुख सैद्धांतिक और एक समान रहा है। हम आतंकवाद और बंधक बनाने की घटनाओं की निंदा करते हैं, लेकिन निर्दोष नागरिकों की लगातार हो रही मौतों से हमें गहरा दुख है। जयशंकर ने कहा कि किसी भी कार्रवाई में मानवीय कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द ये जंग रोकने का समर्थन करते हैं। जयशंकर ने इसके साथ ही कहा कि भारत लगातार दो राष्ट्र समाधान के जरिए फिलिस्तीन के मसले के समाधान के लिए खड़ा है। भारत ने फिलिस्तीनी संस्थानों और क्षमताओं के निर्माण में भी योगदान दिया है। अब आपको ये भी बता दें कि GCC क्या है। GCC कई देशों का एक प्रभावशाली समूह है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में GCC देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 184 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। GCC बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि इस रणनीतिक वार्ता के लिए पहली भारत GCC मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेना उनके लिए बेहद खुशी की बात है।